गुड आफ्टरनून, बैठो। झांसी की रानी, ये जो पाठ है ये हमने आप लोगों से कहा था कि इसको अपने आप पढ़िए। कितने लोगों ने पढ़ा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसको पढ़ के तुम लोगों का मन हुआ कि ये जो पूरा उपन्यास है ये पढ़ना चाहिए? कितने लोगों ने ये पता लगाया कि पूरी स्टोरी थी क्या, इनकी कथा कहानी क्या थी? क्या थी कहानी, ये कौन थी? अरे वो तो ठीक है, ऊपर ही लिखा है झांसी की रानी थी। तो इनके जीवन में बहुत सारी विशेष बातें थीं जो कि इसमें शायद ना समझ में आए, लेकिन पूरी जब आप इनके जीवन की कहानी पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें इनके जीवन में ऐसी थीं जिससे क्या बात समझ में आती। सबसे पहले इनके चरित्र की क्या विशेषता थी, क्यों हम लोग आज इनका उदाहरण देते हैं हर बात में? बहादुरी का जब नाम आता है तो सबसे पहले झांसी की रानी का ही नाम आता है। अच्छा, हम झांसी की रानी का पाठ पढ़ रहे हैं, सीधे बैठेंगे सब लोग, पीठ झुका के नहीं। सबसे बड़ी विशेषता इनके इनकी क्या थी झांसी की रानी की? बहादुर थी, बहादुर थी, बहादुर थी। अच्छा रुको, बहुत अच्छी बात तुमने बोली। सबसे पहले तो बहुत बहादुर थी और इन्होंने लड़कियों को हौसला दिया। क्या वो अपने हक के लिए कभी भी लड़ सकती है? तो ये कैसे पता चला? आपके में उपन्यास का एक अंश है, दो ही तीन पन्ने तो हैं इसमें, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से पात्र इसमें ऐसे हैं जिससे पता चला कि लड़कियां भी लड़ी? जूही एक थी, और जूही क्या करती थी, किस चीज के हाथ क्या संभालती थी वो? रखवाली नहीं करती थी, वो पूरा संभालती थी, तोपे चलवाती थी, तोपे चलाती थी जूही। और कौन थी? मुंदर और सुंदर दो बहनें थी, और इनकी बहुत ही घनी, इनकी सहेलियां जैसी थी। तो मैं देखो, ये इसमें कुछ भी कठिन शब्द नहीं है, इस पूरे उसमें कोई कठिन शब्द है? तो हम लोग इस पाठ की चर्चा ज़्यादा करेंगे, इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि ये बिल्कुल ही इसकी एक एक लाइन की हम बहुत विस्तार से आपको समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। तो इनकी जो विशेषता थी, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, इनका बाल विवाह हुआ था। तो जब ये शादी होकर आई, तो पहले ज़माने में जब कोई रानी बन के आती थी तो उससे लोग क्या अपेक्षा करते थे, क्या उम्मीद करते थे? कि वो हमारा राज संभालेगी। अच्छा, ये क्या करेगी, वो वंश संभालेगी, मतलब बच्चे पैदा करेगी और पुत्र, ठीक है, और क्या करेगी, वो घोड़े पे बैठेगी, तलवार चलाएगी, क्या क्या चाहते थे सब लोग? गृहस्थी रानियों को कहाँ संभालनी पड़ती थी, रानी बैठ के खाना पकाती थी, क्या करे रानिया, रानी से क्या सोचा जाता था कि रानी अगर तुम्हारे मन में आंखें बंद करो तो एक रानी की तुम अगर ड्राइंग बनाओगे तो कैसी बनाओगे, घोड़े पे बैठी हुई? क्या क्या बनाओगे, क्या पूरा क्या पहनेगी, गहनों से सजाओगी, चमकदार कपड़े पहने और अपने दरबार में आराम से बैठ, बढ़िया बढ़िया खाना हो रहा है, चारों तरफ कोई पंखा झुला रहा है उसको, है ना? लेकिन इन्होंने आके जो रानी का रूप था उसको क्या किया, बिल्कुल पलट दिया, और इन्होंने ये कहा कि वीर होना चाहिए तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। अपने तब तक आज़ादी की बात नहीं थी, उन्होंने कहा मैं अपने देश की, अपने लोगों की रक्षा के लिए केवल पुरुषों को ही वीर नहीं होना चाहिए, वीरता केवल पुरुषों का ही बपौती नहीं, वीरता केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। और उन्होंने क्या किया,
सबसे पहले तो अपने किले की जितनी भी स्त्रियां थीं उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम मेरी सहेलियां हो, तुम मेरी दासियां नहीं हो, तुम मेरी से। तो ये जूही, सुंदर, मुंदर, ये लोग जो थे ये सब दासी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरी मित्र सहेलियां हो, मित्र हो मेरी। उन्होंने क्या क्या सिखाया उनको? तलवार चलाना, घोड़े पर चलना। अच्छा, इन्होंने जीवन में क्या क्या कठिनाई देखी? सबसे पहली तो कठिनाई क्या थी? बाल विवाह, है ना, सबसे पहले। अरे भाई, पहले विवाह होगा तब तो पति की मौत होगी। बाल विवाह, एक तो बहुत कठिनाई ये थी कि एक तो कठिनाई थी बाल विवाह, दूसरी शादी के दूसरे दिन के पति की मौत, दूसरे दिन नहीं, शादी के बाद नहीं, उनके जो पुत्र था, जो उनकी संतान थी, वो जीवित नहीं बची। तो उनको क्या कहा गया उनसे? ये जैसे अभी तुम लोगों ने बताया कि संतान और वो भी पुत्र होना बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने दामोदर राव नामक बच्चे को गोद लिया, मतलब गोद लेने के बाद उसका नाम रखा गया दामोदर राव। वो उनका जन्म दिया हुआ पुत्र नहीं था, वो दत्तक पुत्र था। ये शब्द याद रखो, दत्तक पुत्र था। अच्छा, इधर क्या था कि अंग्रेज लोग जो थे वो अपनी सत्ता बढ़ाने में लगे हुए थे, और उन्होंने कहा कि हम दत्तक पुत्र को नहीं मानते, दत्तक पुत्र को नहीं मानते। और उन्होंने क्या कहा कि आपका ये पुत्र जो है ये राजा होने का अधिकारी नहीं है, और आप जो हैं झांसी का राज्य हमें दे दीजिए, आपको पेंशन दे दी जाएगी, आपको हर महीने रुपए मिलेंगे, आप आराम से रहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, बहुत बहुत ही प्रसिद्ध उनका वाक्य है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और उन्होंने घोषणा की कि हम मृत्यु पर्यंत हम युद्ध करेंगे, चाहे जो भी। और उनको अच्छी तरह मालूम था कि हमारे पास अंग्रेजों जितना बल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश में ये उदाहरण रखना है कि हम जीवित रहते हुए झुकेंगे नहीं और हम युद्ध करेंगे। अच्छा, बहुत सारी बातें उन्होंने और झेली, बाल विवाह हुआ, फिर पुत्र उनके बच्चे नहीं थे, खुद के मृत्यु हो गई थी बच्चों की, तो उन्होंने इसको दत्तक पुत्र लिया, ठीक है। फिर पति की मृत्यु हो गई, विधवा थी, बहुत सारे उनके दरबारी जो थे वो इस बात से भी नाखुश थे, वो अप्रसन्न थे। प्रसन्न का उल्टा क्या होता है? अप्रसन्न, अप्रसन्न, अ के मतलब नहीं, प्रत्यय जो है अ के मतलब नहीं, अ से लगा के कोई और बनाओ, अविश्वास, बहुत अच्छा है ना। हाँ, उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित है ना, उसी तरीके से अप्रसन्न थे वो, अप्रसन्न, अविश्वास, बहुत अच्छा बनाया तुमने, अविश्वास, अप्रसन्न थे वो। और उन्होंने कहा कि ये विधवा होकर के और स्त्री होते हुए कैसे राज्य चलाएंगे, किंतु उन्होंने बहुत दृढ़ता पूर्वक अपने राज्य संभाला। लेकिन जब ये समझ में आने लगा कि अब अंग्रेज जो हैं चारों तरफ से हमको घेर रहे हैं, तो ये अंतिम युद्ध, आपकी पुस्तक में जो उपन्यास का अंतिम ये अध्याय है ये लिया गया है, तो सबको पता था कि इस युद्ध में जीत तो होनी ही नहीं है। तो इसमें कौन कौन से इनके सहयोगी दिखाए गए? मुंदरबाई, रघुनाथ सिंह, जूही, रामचंद्र देशमुख और गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद से आपको क्या चीज समझ में आ रही है? गुल मोहम्मद कौन से धर्म का हुआ? मुस्लिम हुआ। तो इसका क्या अर्थ था कि उनके सहयोगी जो थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी
थे। तो उन्होंने जब ये कहा कि जब मैं मारी जाऊं, यदि मैं मारी जाऊं, तो ध्यान रखना कि मेरी देह को कोई विधर्मी ना छू पाए। तो विधर्मी तो गुल मोहम्मद भी था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आंटी क्योंकि उसका दिल साफ था और वो देशभक्त था। यस आंटी। और रानी लक्ष्मीबाई का धर्म क्या था? हिंदू और मुस्लिम धर्म नहीं था। उन्होंने किसको अपना धर्म माना हुआ था? देश की रक्षा को, देश के रक्षा को उन्होंने अपना धर्म माना था। तो जो देश के दुश्मन थे, जो देश के शत्रु थे, वही विधर्मी। वी लगा के और कोई शब्द बनाओ। हाँ नहीं, विनाश और नाश तो एक ही चीज नहीं, वो पूरा एक शब्द है अपने आप में। वी लग के नहीं, वि लग के जब कोई शब्द का अर्थ उल्टा हो जाए ऐसा बनाओ। नहीं सोचो, धर्मी विधर्मी। हाँ तो ये तो हम ही बता रहे हैं, तुम लोग क्या बताओ? बताओ, वी लगा के सोचो। देश विदेश, देश और विदेश, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई विधर्मी मेरी देह को ना छू पाए। इतना उनको कष्ट था इस बात का कि देखो ये लोग हमारे देश में घुस आए हैं और हमारे देश वासियों से लड़ाई करके हमारे देश पर अधिकार करना चाहते हैं। अच्छा, अब छोटे छोटे दो तीन चीज़ें इसमें जो आई हैं, मुझे लगता है उसी से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी कि हम तो ये उपन्यास पूरा पढ़ डालें। इसमें है कि जब जूही उनको प्रणाम करके जाने लगी तो उसने क्या कहा? मुझे आभास हो रहा है। हाँ अब मैं मारी जाऊंगी। और क्या कहा? हाँ, और इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको ना दिखला पाए। यथोचित के मतलब सही, अभिनय ना दिखला पाए का क्या अर्थ है? ये लोग क्योंकि इन्होंने अपनी दासियों को अपनी सहेलियां बना लिया था, तो उन्होंने ये लोग बहुत सारे नाटक करती थी किले में, महल में। और जूही और उनकी सारी सहेलियां जो थीं, जो दासियां थीं, सब मिलके नाटक करते थे। तो जूही ने कहा इस जीवन का जो सही अभिनय है वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है और मुझे लगता है कि आज मैं मारी जाऊंगी। लेकिन ये सब लोग अपना अपना धर्म निभाते हुए मारे गए। अच्छा, इसमें कई शब्द ऐसे आए हैं जो तुम लोगों के लिए थोड़े से अनजाने शब्द हैं। कुमुक एक शब्द आया है, कुमुक का क्या अर्थ है? कुमुक भेजी, कुमुक भेजी सहायता के लिए उधर से कुमुक आई, तो कुमुक का क्या अर्थ है? सेना तो पूरी सेना होती है, जो सेना की टुकड़ी होती है उसका अर्थ होता है, उसका नाम देते हैं कुमुक। एक पूरा जत्था उसको कुमुक कहते हैं, मतलब पूरी सेना में से जब एक हिस्सा कहीं लड़ने के लिए भेजा जाता है तो उसको कुमुक कहते हैं। अच्छा, इसमें आया है रुहेली और अवधी सेना टुकड़ियां, रुहेली और अवधी। अवध का इलाका क्या है? अवध किसे कहते हैं? कहाँ है आंटी? जहाँ पे अवध कहाँ है? झांसी के आसपास कहीं नहीं है अवध? यूपी तो और बड़ी चीज हो गई, उत्तर प्रदेश, उसके अंदर झांसी है। लेकिन लखनऊ और उसके आसपास का सारा इलाका अवध कहलाता है, जिसमें जितने जिले हैं तुम लोग सब, क्योंकि आज हम लोग कहाँ बैठे हैं? लखनऊ में बैठे हैं। ये पूरा सब कुछ अवध है। आप जो बोली घरों में बोलते हैं वो अवधी बोली है।
तो इतना तो पता होना चाहिए कि अवध कहाँ है। आप इधर उधर देखिए, अवधी खाने के बड़ी बात की जाती है कि अवधी खाना और अवधी बोली और अवधी गीत। आप जो घर में बोलते हैं, गांव में जो आसपास के गांव में बोली जाती है, वो सब अवधी बोली है जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, जिसका जिसको तुम लोग रामायण कहते हो, वो पूरी अवधी बोली में लिखी हुई है। जो हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं वो भी अवधी में है। तो अवध की सेना थी इनके साथ, और रुहेली, रुहेल खंड किसको कहते हैं, बरेली और उसके आसपास के जिलों को रुहेल खंड कहते हैं। आप लोग नक्शे में देखिएगा, तो जो रुहेल खंड है, बल्कि बरेली में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है रुहेल खंड विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये अवध है, और बरेली के आसपास रुहेली, वहां के लोगों को रुहेली कहते हैं, और रुहेली सेना। अब ग्वालियर की भी सेना इनके साथ थी। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सब लोग पहले नक्शा देखेंगे जाकर के कि कहाँ पर है ग्वालियर। तो ग्वालियर की जो सेना थी उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, क्या किया, देशद्रोह किया, और वो भाग गए और लड़े नहीं। और वो उन्होंने ये कहा, झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने, कि मुझे लग ही रहा था कि ये लोग जो हैं मेरा साथ नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ, जब ये लोग किले से निकल पड़े लड़ने के लिए, तो रानी ने अपने पुत्र को क्या किया, छोड़ दिया किले में, क्या किया। अच्छा, रानी की जो सेना थी वो लाल कुर्ती पहने हुए थी, है ना। अच्छा, दुहत्थू लड़ाई उन्होंने लड़ी, इसका क्या, दोनों हाथों में उन्होंने तलवार लेकर लड़ाई करी। जब अंत में चार ही घुड़सवार रह गए, बाकी लोग मारे गए, और फिर रानी के बहुत जोर से तलवार का वार हुआ। बिल्कुल ही जब वो मृत्यु के मुख में जाने लगी, तब दामोदर राव का इसमें लिखा है, उन्होंने पश्चिम की ओर मुंह करके अल्लाह का नाम लिया। पश्चिम की ओर मुंह क्यों किया, क्योंकि पश्चिम में दक्षिण भेजना था, वो तो पश्चिम की ओर मुंह क्यों किया। देखो, तुम लोग सवाल नहीं करते हो, पढ़ लेते हो, दामोदर राव ने कहां मुंह किया, ओ, गुल मोहम्मद ने कहां मुंह किया, गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह किया। दामोदर राव को रानी कहां भेजना चाहती थी, दामोदर राव को दक्षिण भेजना चाहती थी। प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे ही पढ़ लिया, रट लिया, नहीं रटो। क्या सूर्य पश्चिम से निकलता है, नहीं नहीं, उन्होंने अल्लाह का नाम क्यों लिया पश्चिम की ओर मुंह करके, बोलो, ठीक बोलो 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 बोलो, पूरी मुस्लिम थे और मानते थे कि जो लोग हैं वो पश्चिम को मानते हैं। पश्चिम और दक्षिण की वैसे कोई बात नहीं है, बैठो, अगर वो अमेरिका में होते तो पूर्व की ओर मुंह करते, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में मक्का मदीना है, और मक्का मदीना को मुस्लिम लोग अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। तो भारत से अगर कोई मक्का मदीना की ओर अपने अंतिम समय में मुंह करना चाहता है, तो उसको पश्चिम की ओर मुंह करना पड़ेगा। उनको पता था कि रानी भी मृत्यु को प्राप्त होने वाली हैं बस, और मेरा भी अंतिम समय आ सकता है, तो उन्होंने अपने भगवान का, अपने अल्लाह का नाम पश्चिम की ओर मुंह करके किया। दक्षिण वो दामोदर राव को क्यों भेज रही थी, उन्होंने कहा, सोचा था कि मेरे बच्चे के प्राण बच जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, और गंगादास की कुटी में क्यों लेके गए वो, हाँ ठीक है, वो गंगादास की जो कुटी थी, महंत गंगादास की, वहां पर उनको ले गए ये लोग, इसलिए कि वहां पर उनका दाह संस्कार किया जा सके। इतना समय नहीं था
कि उनके लिए चिता बनाई जा सके, तो पूरी पूरी जो कुटी थी, जो फूस का झोपड़ा था, पूरे झोपड़े को ही जला दिया गया और इस प्रकार से रानी झांसी का अंत हुआ। तो अब ये बताओ कि आजकल देखो, उन्होंने बहुत ही वीरता से सामना किया अपने जीवन की कठिनाइयों का, क्या आजकल भी कोई ऐसी कठिनाइयां हैं जिनके की सामना आजकल भी करना पड़ता है लोगों को, उनके जीवन की जो बातें थी? हाँ बोलो, आजकल भी पूरे वाक्यों में जवाब देने की आदत डालो, ताकि जब उत्तर लिखो तो बहुत सुंदरता से उत्तर लिखो। आजकल भी बाल विवाह होते हैं और हाँ उनको पढ़ाया कम जाता है। आप लोग बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि आप लोग पढ़ रहे, पर बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनको नहीं पढ़ाते। और कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो उनको झेलनी पड़ी और आज भी लोग झेल रहे हैं, सोचो। पानी तो वो तो रानी थी, उनको क्या पानी भरने जाना पड़ता था? जो उनके जीवन अभी तुमने उनके बारे में पढ़ा, आपने कहा हम तो घर से पढ़ के आए हैं, तो फिर ऐसी बातें नहीं। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो उस समय रानी को सामना करना पड़ा, लक्ष्मीबाई को, आज तक लड़कियां और स्त्रियां उन समस्याओं का सामना कर रही हैं? आपने बताया बाल विवाह, ठीक है, और पढ़ने नहीं देना, और बताओ। आंटी जैसे कि वो पहले अंग्रेजों से वो थी, गुलाम थी और लड़कों से मतलब जो हाँ मतलब उनकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है आज भी लड़कियों को, और क्या है आंटी, जैसे कि पहले आंटी रानी को बोला गया था कि वंश बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात, आज भी वंश बढ़ाने के लिए लोग लड़का ही चाहते हैं। और कोई बात, उनके पति की मृत्यु के बाद क्या हुआ? वो तो ठीक है, बहुत से लोगों का विरोध सहना पड़ा, बहुत से लोगों का विरोध सहना पड़ा, जो काम वो करने जा रही थी उसमें विरोध सहना पड़ा। क्या आज भी सहना पड़ता है? सहना पड़ता है। और कोई बात, कोई चीज़ उन्होंने नई करी जब वो शादी होकर आई, क्या नया काम किया उन्होंने जो कोई रानियां नहीं करती थी? अपनी दासियों को उन्होंने सहेलियां, और क्या किया आंटी? और अपने हक के लिए लड़ी और सबको उन्होंने सशक्त बनाया, सशक्त बनाया, सशक्त, सशक्त नहीं सशक्त, बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ो, सशक्त। सशक्त, सशक्त क्यों बोल रहे हो, उसमें आ की मात्रा है क्या? सशक्त, सशक्त नहीं सशक्त। देखो स और श दोनों अलग अलग ध्वनि हैं, जब भी बोलो शुद्ध बोलो, सशक्त। अच्छा तो उनकी पराजय क्यों हुई, क्या उनकी पराजय हुई? मैंने पूछा पराजय क्यों हुई, तुम लोग कहने लगे हाँ पराजय हुई क्योंकि उनको ग्वालियर के लोगों ने देशद्रोह किया। क्या पराजय हुई उनकी सचमुच देखा जाए तो? नहीं, पराजय हुई क्यों, क्या मैंने पूछा तो पहले तो तुम मेरी प्रश्न पर प्रश्न कर सकते हो कि नहीं, असल में तो वो जीत गई, मरकर भी जीत गई, क्योंकि अंग्रेजों को इतना सबक मिला, अंग्रेज हिल गए थे उनकी मृत्यु से कि ऐसी भी महिला हो सकती है। तो यदि ये प्रश्न आए कि क्या उनकी पराजय क्यों हुई, तो आप उसमें क्या लिखोगे कि पराजय एक तरह से तो उनकी पराजय हुई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक वीरता की उदाहरण रखा, मिसाल दी। दूसरी बात ये कि पराजय हुई तो उनकी अपनी कमजोरी के कारण नहीं हुई, लोगों ने देशद्रोह किया। अच्छा अब ये बताओ
कि जो घोड़ा गरम नहीं था, एक इसमें बात आई है कि घोड़ा गरम नहीं था। तो घोड़ा गरम नहीं था, इसका क्या मतलब है? क्या बुखार था घोड़े को? हाँ, क्या था? तो इसका क्या मतलब है कि अस्तबल को प्यार करने वाला? पहले युद्ध में नहीं गया। और अगर मैं कहूँ कि ये तो लड़की जो है ये बिस्तर को प्यार करने वाली लड़की है, तो इसका क्या मतलब है कि वो आलसी है? बिस्तर तो सबको अच्छा लगता है, जब हम थके हो तो हम सब सोना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे तो बिस्तर को प्यार या कुर्सी को प्यार करने वाले तो उठना नहीं चाहते, आलसी थे। तो वो घोड़ा भी थोड़ा सा आलसी था। हुजर सवार जो थे उसका क्या अर्थ है? जो घोड़े पर सवार होकर लड़ रहे थे, कुछ लोग पैदल लड़ते थे और कुछ लोग घोड़े पर रुकते थे। अच्छा, हूल दी, हूल से मारा। हूल क्या होती है? एक लंबी कटार जैसी। तलवार और कटार में क्या फर्क होता है? लंबी सी होती है और उसके नहीं, भाला तो देखो, भाला अलग, तलवार अलग और हूल अलग। जो तलवार है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, ये होती है। यस आंटी, ये हंसिया लग रही है। सीधा कर दो तो नहीं लगेगी हंसिया। और जो हूल होती है वो शायद पूरी लंबी होती है ऐसी। और इसी में अगर छोटा ये हो और फिर वो ऐसा हो तो शायद वो भाला, भाला ऐसा वाला। इसी का छोटा रूप जो है वो तीर होता है। ड्राइंग के ऊपर हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। इसको देखो, आजकल तो नेट का जमाना है, खोलो और सब चीज आपको मिलेगी, है ना। तो इसमें आप क्या क्या चीजें आप लिखेंगे, आपका गृह कार्य क्या है? केवल एक प्रश्न हम दे रहे हैं जो हमने अभी अभी आपके साथ हमने चर्चा की, कि रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सी ऐसी समस्याओं का सामना किया जो कि लड़कियों को आज भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, स्टैंड अप, वेलकम, बैठो।